नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास जी महाराज को श्रद्धांजलि। रामनवमी के दिन ब्रह्मलीन हुए थे प्रेमदास जी महाराज। शुक्रवार को संपन्न हुआ श्रद्धांजलि समारोह व भंडारा। व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने पहुँचे मुख्यमंत्री। प्रदेश सरकार के द्वारा धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने के फैसले का उत्तर प्रदेश के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुल वरा ने किया स्वागत। कहा, मस्जिद व मंदिर के लाउडस्पीकर का आवाज तेज होने से हॉस्पिटल के मरीज व स्कूल के बच्चों को होती है दिक्कत। आवाज कम होने से सभी लोग शांति से कर सकेंगे अपना काम, मिलेगी सभी को राहत। सबसे ज्यादा IGRS प्रार्थना पत्रों को डालने वाले फरियादियों के निस्तारण के लिए SSP डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में IGRS मेगा मेले का किया गया आयोजन। सबसे ज्यादा IGRS डालने वाले फरियादियों की सुनी गई फरियाद। कहा, किसी को परेशान करने के उद्देश्य से IGRS डालने वाले फरियादियों व IGRS का निस्तारण न करने वाले पुलिस कर्मियों के ऊपर की जाएगी कार्यवाही। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन सहित अयोध्या धाम के साधुओं ने ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास महाराज सभी धर्म के लोगों का करते थे सम्मान। विश्व पृथ्वी दिवस पर स्कूली बच्चों ने SSP को पौधा भेंट कर दिया पृथ्वी की रक्षा करने का संदेश। कहा, सभी को मिलकर बनाए रखना होगा पर्यावरण का संतुलन। दो शातिर मोबाइल लुटेरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का दो मोबाइल व घटना में प्रयुक्त स्कूटी किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी विकास यादव ने जनपद वासियों को दी पृथ्वी दिवस की बधाई व शुभकामना। कहा, लोगों में जागरूकता के लिए जगह जगह पर किया जा रहा है पौधारोपण। और मिशन शक्ति अभियान के चौथे फेज के तहत महिलाओं में जागरूकता के लिए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लॉ फैकल्टी की छात्राओं को दी गई वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 डायल 112 के बारे में विस्तृत जानकारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री एवं गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ स्थित मनोकामना सिद्ध राम जानकी हनुमान मंदिर के ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास जी महाराज को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से पधारे संत महात्माओं से भी मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम जाना। गोरखनाथ थाने के सामने स्थित मनोकामना सिद्ध श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के महंत प्रेमदास जी महाराज रामनवमी के पावन दिन ब्रह्मलीन हो गए थे, जिसके संबंध में मनोकामना सिद्ध श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के प्रबंधक अजय सिंह ने बताया कि प्रेमदास महाराज जी 10 अप्रैल को ब्रह्मलीन हो गए थे। उनके आकस्मिक निधन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखनाथ मंदिर में ही थे। जैसे ही उनको सूचना मिली, उन्होंने तुरंत यहां पर आकर सारी व्यवस्था देखी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया कि ब्रह्मलीन प्रेमदास महाराज जी की इच्छा थी कि उनके शरीर का दाह संस्कार अयोध्या में किया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री ने स्वयं सारी व्यवस्था करवा कर उनको अयोध्या भिजवाया और वहां पर दाह संस्कार संपन्न हुआ। शुक्रवार को यहां पर श्रद्धांजलि समारोह व भंडारा का कार्यक्रम था, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया और उन्होंने ब्रह्मलीन प्रेमदास महाराज को श्रद्धांजलि दी, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम सभी धन्यवाद देते हैं। उनके ब्रह्मलीन होने के दिन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पार्थिव शरीर का दर्शन किया था और श्रद्धांजलि दी थी। ब्रह्मलीन महंत जी की स्मृति में शुक्रवार को श्रद्धांजलि समारोह व भंडारा का आयोजन किया गया था। व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद इसमें सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी से दोपहर बाद करीब 2 बजे गोरखपुर पहुंचे। श्री राम जानकी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के उपरांत उन्होंने ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास जी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 4 दशक से अधिक समय तक महंत प्रेमदास जी ने गोरखपुर में रहकर मनोकामना सिद्ध श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के माध्यम से न केवल सनातन धर्म की सेवा की अपितु यहां आने वाले संतों श्रद्धालुओं को भी उनका सानिध्य लंबे समय तक प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, काशी आदि जगहों से पधारे संतों से मुलाकात की। संतों ने अंगवस्त्र आदि प्रदान कर सीएम योगी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रबंधन के लोगों को निर्देशित किया कि संत जनों के आतिथ्य में कोई कमी ना रहे और भंडारे के बाद पूरे सम्मान से उनकी विदाई की जाए। इस अवसर पर अयोध्या से पधारे दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास, रामलला सदन के स्वामी राघवाचार्य, बड़ा भक्तमाल के स्वामी अवधेश दास, वैदेही भवन अयोध्या के स्वामी रामजी शरण, उर्दू अकादमी के अध्यक्ष चौधरी कैफुल बरा, मनोकामना सिद्ध श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के प्रबंधक अजय कुमार सिंह समेत कई संत व गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मनोकामना सिद्ध श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के प्रबंधक अजय सिंह ने कहा, महाराज जी राम महाराज जी ठीक। पूज्य संत श्री प्रेमदास जी महाराज जी का साकेत वास 10/4 रामनवमी चैत रामनवमी तिथि के दिन सुबह में 5:30 बजे हो गया था और उनके आकस्मिक निधन के अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज संयोग से गोरक्षपीठ में ही मौजूद थे और जो उनको सूचना मिले तुरंत आकर के पूरी व्यवस्था यहाँ का सारा व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, महाराज जी की इच्छा क्या थी, तो हम लोगों के द्वारा बताया गया कि उनकी इच्छा ये थी कि हमारा शरीर, मैं अयोध्या वासी रहा हूँ इसलिए मेरा शरीर अयोध्या में ही दाह संस्कार किया जाएगा। इस पर महाराज जी के आदेशानुसार उनके निर्देश में वहाँ दसवीं के दिन, महाराज जी बोले कि आज नवमी तिथि है, भीड़ काफ़ी होगा अयोध्या में, तो दसवीं के दिन आप लोग लेकर के जाइए। और महाराज जी ने खुद वाहन की व्यवस्था, सबको ले जाने की व्यवस्था, कैसे कौन जाएगा, सारा व्यवस्था करके आज महाराज जी का ये श्रद्धांजलि समारोह और भंडारा का कार्यक्रम आज था। इसका भी शुभारम्भ महाराज जी इतना व्यस्त रहते हुए, बनारस से अपना कार्यक्रम में व्यस्त रहते हुए महाराज जी फिर यहाँ आकर के सुबह, बल्कि पहले ये था कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, महाराज जी नहीं आ पाएंगे, लेकिन एकाएक फ़ोन आया कि महाराज जी पुष्पांजलि के लिए आएंगे और भंडारा का प्रारंभ करा के ही फिर किसी और कार्यक्रम में जाएंगे। तुरंत इसी कार्यक्रम के लिए महाराज जी ने प्रोग्राम बनाया था जी। चंद की जय। प्रदेश सरकार के द्वारा धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज़ को कम करने के फैसले को प्रदेश के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुल वरा सहित मुस्लिम समाज ने सही बताया, जिसके संबंध में प्रदेश के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुल वरा ने बताया कि प्रदेश सरकार के मंदिर व मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर का फैसला सही है, क्योंकि मंदिर व मस्जिद के अगल बगल हॉस्पिटल होता है जिसकी आवाज़ से मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब आवाज़ कम रहेगी तो सब लोग सुकून से रहेंगे। इसके अलावा जो स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको भी परेशानी होती है लाउडस्पीकर से, इसलिए प्रदेश सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, जिसको देखते हुए मुस्लिम समाज ने भी मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया है। जब से सरकार का आदेश आया है इसीलिए सभी लोग सरकार के फैसले का सम्मान करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुल वरा ने कहा, हमारा नाम खैरुल वरा है,
उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहना चाहेंगे? ये आदेश हुआ है, ये ठीक है, सबके लिए अच्छा है। हम लोगों ने भी अपनी मस्जिद का लाउड स्पीकर की आवाज़ को भी कम कर दिया है, मीडियम कर दिया है, ताकि सब जगह जहां भी था सबसे कहना चाहते हैं कि नॉर्मली आवाज़ रखें, ताकि किसी को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। जैसे अब महाराज जी ने कहा है कि मंदिर हो या मस्जिद हो या किसी भी धर्मस्थल का कहीं भी किसी तरीके का हो, उसको नॉर्मल आवाज़ रखा जाए, इसका पालन किया जाएगा, इसको किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने लाउड स्पीकर की आवाज़ से कम करने के लिए पूरे धार्मिक स्थलों पर जो महाराज जी ने कहा है, तो वो तो काम उन्होंने ठीक किया है। इसलिए कि जब किसी भी मंदिर से हो या मस्जिद से आवाज़ तेज़ होती है, बगल में कोई मरीज़ है तो उसको भी परेशानी होती है, बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको भी परेशानी होती है। तो ये स्वागत योग है, इनका जो आदेश हुआ है ये स्वागत के लायक है। और हम लोगों ने भी मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे थे उसकी आवाज़ को हम लोगों ने कम कर लिया। और ये हमारे साथ हैं मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली, इन्होंने कमेटी की देखभाल यही करते हैं, तो इन्होंने उस आदेश को सुन करके और इसको उसका पूरा भरपूर पालन कराया। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही तो कह रहे हैं कि उन्होंने आदेश जो दिया ये बहुत पालन करने योग है, इसमें किसी तरह का कोई कमी नहीं है, और सारे समाज के लोग इसको माने और उसका भरपूर पालन करें। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा द्वारा शुक्रवार को सबसे ज़्यादा आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों को डालने वाले फरियादियों के आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों का सही तरीके से निस्तारण हेतु एसपी क्राइम ऑफिस में आईजीआरएस मेगा मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने सबसे ज़्यादा जिले में आईजीआरएस डालने वाले वादियों को एसपी क्राइम कार्यालय बुलाकर खुद उनसे बात की और उनकी समस्याओं को जाना और समस्या के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि जिले में सबसे अधिक आईजीआरएस पर शिकायत करने वाले शिकायतकर्ताओं को एसपी क्राइम ऑफिस पर बुलाया गया है और यहां पर एसपी सिटी, एसपी साउथ, एसपी नॉर्थ अपने अपने क्षेत्र के फरियादियों की जन सुनवाई कर रहे हैं, उनके समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। यह वह लोग हैं जिन्होंने जिले में सबसे ज्यादा आईजीआरएस पर शिकायत की है। इस तरह कुल 56 लोग हैं जिन्होंने आईजीआरएस पर सबसे ज्यादा शिकायत की है, उनकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। यदि उस व्यक्ति की समस्या का निस्तारण होने के लायक है तो क्यों नहीं हुआ, उसमें कौन दोषी पुलिसकर्मी है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और यदि शिकायतकर्ता गलत प्रार्थना पत्र डालकर पुलिस को व अपने पड़ोसी को जानबूझकर परेशान कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि प्रयास है कि आईजीआरएस के पत्र को गंभीरतापूर्वक देखा जाए, ऑफिस का दुरुपयोग करने वाले के ऊपर भी कार्यवाही की जाए कि सिस्टम ठीक ढंग से चले और लोगों में अच्छा संदेश जाए। इस अवसर पर एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, इसमें पुलिस वालों की टेक्निकल गलती है या इसमें जानबूझ के बार बार आइडिया डाला जा रहा है, तो ये तीनों जो भी चाह रहा हूँ किसकी गलती है। आपका क्या नाम है? इनके साथ आए हैं? हाँ हाँ, पासपोर्ट वाला ना, किसका पासपोर्ट बनवाना जा रहा है अपना? तो आपके ऊपर तो मुकदमे हैं, 7-8 मैंने देखा है निकाल के। पर एक भी मुकदमा है तो पासपोर्ट नहीं बनेगा, करवा देंगे तब हो जाएगा। लेकिन शिकायत क्या गया लिखा गया है, इतने मुकदमे हैं, ये कहीं नहीं मिला, और
आपका प्रकरण तो मैं खुद निकलवा के दिला है। आपने अच्छा खासा अब आप जो है कितने बार आइडिया और ये भी है 90% मैंने दो तीन बार यहाँ नहीं पहुँचा। यहाँ पर सब विशेष हमारे विशेष मेहमान हैं सारे। यहाँ पे पूरे जिले के 56 लोग बुलाए हैं हमने। IGRS डाल रहे हैं, अब बार बार IGRS डाल रहे हैं तो क्या कारण है? या तो आप वाकई में सही बात कह रहे हैं जो हम सुन नहीं पा रहे, हमारे अधिकारी हमारा विभाग नहीं सुन पा रहा, या हम जो बात कह रहे हैं वो आप सुनना नहीं चाहते, आप स्वीकार करने नहीं चाहते, या आपका पासपोर्ट तो बन ही नहीं पाएगा। न बने सर, तो बात खत्म हो रही फिर उसमें क्या कर सकता है? 90% थक जाकर के हमको संतुष्टि मिली है आपके कृपा पर, और 10% असंतुष्टि ये है 75/98 मुकदमा जो है 98/99 लिया जा रहा है। कितने मुकदमे हैं वहाँ पर आपके? तो नहीं नहीं कोई कितने मुकदमे हुए आज तक, कितने मुकदमे दर्ज हुए आपके ऊपर? जो IGRS में सर्वाधिक शिकायत दर्ज करने वाले शिकायतकर्ताओं को हमने अपने क्राइम ब्रांच के ऑफिस बुलवाया है, और यहाँ पे हमारे SP सिटी, SP साउथ और SP नॉर्थ तीनों लोग बैठे हैं और अपने अपने क्षेत्र के जो भी फरियादी आए हैं उनकी सुनवाई कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि जनपद में सर्वाधिक जिन्होंने IGRS के प्रार्थना पत्र दिए हैं, और ऐसे कुल 56 लोग हैं, और इनमें से हर व्यक्ति की समस्या का निस्तारण होगा। यदि वो व्यक्ति की समस्या का निस्तारण होने लायक है तो क्यों नहीं हुआ, उसमें कौन दोषी पुलिसकर्मी है उसके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी, और यदि ये गलत प्रार्थना पत्र डालकर पुलिस को या अपने पड़ोसी को या विपक्षी पार्टी को परेशान कर रहे हैं तो इनके खिलाफ़ भी जो भी विधिक कार्रवाई होती है वो की जाएगी। उद्देश्य यह है कि IGRS के प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से देखा जाए और इसका दुरुपयोग करने वालों का भी इस पर कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ, ताकि ये सिस्टम दुरुस्त होकर चले और लोगों में इसका अच्छा संदेश जाए। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है जो गलत IGRS डाल के परेशान कर रहे हैं? देखिए, IGRS की सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए उपलब्ध करवाई है कि घर बैठे हमारे बुजुर्ग व्यक्ति, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे या ऐसे लोग जो थाने या चौकी पर नहीं जा सकते वो घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। ऐसे में यदि कोई इस सिस्टम का दुरुपयोग करता है और अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए बार बार लगातार प्रार्थना पत्र डालता है जो कि झूठे हैं, या उनको बताने के बावजूद वो जानबूझ के परेशान करने के लिए डालते हैं, तो ऐसे लोगों का भी चिन्हीकरण होना चाहिए। और यदि कोई पुलिसकर्मी है जो बार बार प्रार्थना पत्र के बावजूद सही कार्रवाई नहीं कर रहा तो ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर जो भी IGRS में प्रकरण आया उसको गुणवत्ता से समयबद्ध तरीके से चेक किया जाए और इसका दुरुपयोग ना हो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता मिले, ये आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुलवरा सहित अयोध्या धाम के साधुओं ने ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुलवरा ने बताया कि ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास महाराज का हम लोगों से बहुत अच्छा संबंध था, और अच्छा संबंध होने की वजह से जिस दिन महंत प्रेमदास ब्रह्मलीन हुए हैं उस दिन हम लोग महाराज के साथ यहाँ से लेकर अयोध्या तक साथ गए। शुक्रवार को भी श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होने के लिए गोरखपुर आए। वही इस संबंध में अयोध्या धाम के साधुओं ने कहा कि प्रेमदास महाराज के ब्रह्मलीन होने पर अयोध्या से मथुरा से सभी संत लोग यहां पधारे हैं, क्योंकि प्रेमदास महाराज नवमी के दिन ब्रह्मलीन हुए थे, जिनका भंडारा व श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शुक्रवार को किया गया है जिसमें सभी संत व महापुरुष सम्मिलित होने आए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने व्यस्त समय के बावजूद समय निकालकर श्रद्धांजलि सभा में भाग लिए हैं व ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुलवरा और अयोध्या धाम से पधारे साधु संतों ने कहा। अयोध्या से
और वृंदावन से सभी मठाधीश और संत लोग महापुरुष लोग यहाँ पधारे हैं। पूज्य महाराज श्री वैकुंठवासी श्री प्रेमदास जी महाराज जो कि वैष्णव परंपरा के महान संत थे, उनका शरीर रामनवमी के दिन पूर्ण हुआ था। आज उनका भंडारा 13वीं का भंडारा था, जिस भंडारा में सभी संत महापुरुष यहाँ सम्मिलित होने आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से अधिकतम समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित होकर उन्होंने भी पुष्पांजलि अर्पित की और महाराज जी का भंडारा का कार्यक्रम चल रहा। हम सभी लोग श्री प्रेमदास जी महाराज के भंडारा में उपस्थित होने के लिए सम्मिलित होने के लिए अयोध्या से चल करके आए हैं। सारे पीठाधीश्वर लोग अयोध्या से आए हैं और बड़ा दिव्य भंडारा उनका सम्पन्न हो रहा है और सारी देख रेख और सारी व्यवस्था महाराज श्री ने अजय कुमार सिंह जी को सौंपी। इन पे बहुत विश्वास किया और इन्होंने उनका सारा कर्म संपन्न किया है और बड़े ही विधि विधान से और बड़ी ही निष्ठा श्रद्धा के साथ उनके संस्कार को आपने संपन्न किया और आज सभी महात्मा लोग यहाँ उपस्थित होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अस्तु। माननीय श्री प्रेमदास जी महाराज हम लोगों के हृदय में थे, उनकी श्रद्धांजलि समारोह में अयोध्या से मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत धर्मेंद्र शरण आकर सभी आचार्यों के साथ में, संतों के साथ में, माननीय योगी जी के साथ में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पण करके श्री प्रेमदास जी महाराज के भंडारे में सम्मिलित हुए, श्रद्धांजलि समारोह में सम्मिलित हुए। ये अद्वितीय कार्य हो गया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये उनकी जो है अंत्येष्टि क्रिया भी हुई और यह श्रद्धांजलि समारोह और भंडारा, भव्य भंडारा का आयोजन जिसमें अयोध्या, काशी और चित्रकूट, वृंदावन धाम से सारे संत समाज धर्माचार्य आकर सम्मिलित हुए, ये अद्वितीय कार्य हो गया और उनकी सबके साथ में सुहृदता थी, शालीनता और संतत्व की परिचायक बन करके श्री प्रेमदास जी महाराज जीवन यापन करते थे, उनसे सब जुड़े हुए थे इसलिए उनके कार्यक्रम में सब जुड़ गए। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। उनके गुरु भाई माननीय श्री बालकदास जी महाराज, रमायणी जी राम बालकदास जी महाराज अयोध्यावासी हैं, हम लोगों के अभिन्न मित्र हैं और श्री किशोरी जी के ही एक परिकर हैं, प्रेमदास जी महाराज के गुरु भाई श्री रमायणी राम बालकदास जी महाराज जी। अध्यक्ष चल के यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। हाँ, श्री महाराज जी, श्री महंत प्रेमदास जी महाराज का रामनवमी के दिन शरीर शांत हुआ, मैं अयोध्या से आया और दूसरे दिन इनको अयोध्या जी यहाँ से ले गए और भी भक्त यहाँ से गए और सरयू किनारे दाह संस्कार हुआ इनका, वहाँ से लौट के आए। इनका विधिवत जो कार्य है साकेत मास का वो सब कार्यक्रम संपन्न हुआ, आज 13वां दिन है और श्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी के आदेशानुसार सब कार्य संपन्न हुआ और आगे भी होता रहेगा। और महंत श्री प्रेमदास जी महाराज का जीवन स्वच्छ निर्मल सात्विक रहा, जीवन साधु सेवा करते हुए व्यतीत हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम चौधरी कैफुल वाला, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का मैं चेयरमैन हूँ। ये जो यहाँ के महाराज जी थे तो इनका हम लोगों का बहुत पुराना संबंध था, हम लोगों से इनके बड़े अच्छे संबंध होने की वजह से जिस दिन इनका स्वर्गवास हुआ है उस दिन हम सुबह से यहाँ से लेकर के अयोध्या तक हम साथ गए और आज भी कार्यक्रम हम लखनऊ थे, लखनऊ से भी हम चले आए कि ये कार्यक्रम अपने घर का कार्यक्रम है, इसमें हम लोग सम्मिलित होने चले आए। मुख्यमंत्री जी भी आ जाते हैं यहाँ पे भाग लिए हैं, आपके समाज के लोगों ने इसमें भाग लिया है, देखा जाए तो भाई मुख्यमंत्री जी तो इसमें भाग लिए। मुख्यमंत्री जी की कि जब मेरी तरफ उनकी निगाह पड़ी तो उन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा, कहिए चौधरी साहब आप ठीक हैं, उन्होंने यहाँ तक मुझसे पूछ लिया। तो इसलिए जब भी वो मुझसे मिलते हैं तो हमसे ये ज़रूर पूछते हैं चौधरी साहब क्या हाल चाल है, और हम लोग हमेशा मंदिर से जुड़े हुए हैं और कोई भी कठिनाई होती है, कोई परेशानी होती है, हम लोग मंदिर में जाकर के महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी उसका समाधान करते हैं। इस बार इसी वजह से महाराज जी को बहुत ज़्यादा वोटों से मुसलमानों ने वोट दे करके इनको एक जीत इतनी दिलाया कि महाराज जी को भी ये मालूम हो जाए कि हाँ इस बार यहाँ की जनता, सारी जनता किसी धर्म कौम की हो, सारी जनता ने उनको वोट दिया और अधिक से अधिक वोट दे करके इनको जिताया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास जी महाराज को श्रद्धांजलि। रामनवमी के दिन ब्रह्मलीन हुए थे प्रेमदास जी महाराज। शुक्रवार को संपन्न हुआ श्रद्धांजलि समारोह व भंडारा। व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने पहुँचे मुख्यमंत्री। प्रदेश सरकार के द्वारा धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने के फैसले का उत्तर प्रदेश के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुल वरा ने किया स्वागत। कहा, मस्जिद व मंदिर के लाउडस्पीकर का आवाज तेज होने से हॉस्पिटल के मरीज व स्कूल के बच्चों को होती है दिक्कत। आवाज कम होने से सभी लोग शांति से कर सकेंगे अपना काम, मिलेगी सभी को राहत। सबसे ज्यादा IGRS प्रार्थना पत्रों को डालने वाले फरियादियों के निस्तारण के लिए SSP डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में IGRS मेगा मेले का किया गया आयोजन। सबसे ज्यादा IGRS डालने वाले फरियादियों की सुनी गई फरियाद। कहा, किसी को परेशान करने के उद्देश्य से IGRS डालने वाले फरियादियों व IGRS का निस्तारण न करने वाले पुलिस कर्मियों के ऊपर की जाएगी कार्यवाही। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन सहित अयोध्या धाम के साधुओं ने ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास महाराज सभी धर्म के लोगों का करते थे सम्मान। विश्व पृथ्वी दिवस पर स्कूली बच्चों ने SSP को पौधा भेंट कर दिया पृथ्वी की रक्षा करने का संदेश। कहा, सभी को मिलकर बनाए रखना होगा पर्यावरण का संतुलन। दो शातिर मोबाइल लुटेरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का दो मोबाइल व घटना में प्रयुक्त स्कूटी किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी विकास यादव ने जनपद वासियों को दी पृथ्वी दिवस की बधाई व शुभकामना। कहा, लोगों में जागरूकता के लिए जगह जगह पर किया जा रहा है पौधारोपण। और मिशन शक्ति अभियान के चौथे फेज के तहत महिलाओं में जागरूकता के लिए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लॉ फैकल्टी की छात्राओं को दी गई वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 डायल 112 के बारे में विस्तृत जानकारी। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply.
रॉयल लोगो की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। भटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों ने एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा को पौधा गिफ्ट किया। इस दौरान बच्चों ने एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा से कहा कि वह पौधे को अपने कार्यालय में रखेंगे, जिससे सभी को पर्यावरण संतुलन का संदेश मिल सके। जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि पृथ्वी दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों ने पौधा भेंट किया है और संदेश दिया है कि हम सभी लोग मिलकर पृथ्वी की रक्षा करें। जो जल वायु भगवान ने हमें दी है उसकी रक्षा करें। इसके साथ ही इन वस्तुओं का उपयोग सावधानी पूर्वक करें, जिससे कि सभी लोग व आने वाली पीढ़ी आज का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, तुम्हारा पेड़ मैं रखूंगा और ये तुम रखना, ठीक है? रोज सुबह 10 बजे तुम भी पानी डालना इसमें, रोज सुबह 10 बजे मैं भी इसमें पानी डालूंगा, ठीक है? हम दोनों रोज सुबह 10 बजे डालेंगे, फिर देखते हैं किसका पेड़ बन नहीं बचा। अगर मम्मी को बता देना आज पुलिस से मिल के आए हो। आज अर्थ डे के दिवस पर कुछ स्कूली बच्चे आए जिन्होंने हमें पौधे भेंट किए और संदेश दिया कि हम लोग सभी लोग मिलकर जो हमारी पृथ्वी है उसकी रक्षा करें, जो जल वायु ज़मीन जो हमें प्रभु ने दी है उसकी रक्षा करें और उसका हम उपयोग करें, परंतु जिम्मेदारी पूर्वक करें, जिससे ना सिर्फ हम बल्कि आने वाली पीढ़ी भी उसका पूरा फायदा उठा सके। कैंट पुलिस ने दो शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को कारमल स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मोहम्मद सैफ पुत्र मुस्तफा खान निवासी हुमायूंपुर उत्तरी नियर आटा चक्की थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, दूसरा विपिन सिंह उर्फ छोटू पुत्र कृष्ण मोहन सिंह निवासी बुद्ध वाटिका के पीछे हुमायूंपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का दो मोबाइल एक स्कूटी बरामद हुआ है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि गोरखपुर शहर क्षेत्र में राह चलते लोगों से मोबाइल लूट कर भाग जाने की लगातार कई घटनाओं को कारित किया जा रहा था। थाना कैंट पुलिस द्वारा 21 अप्रैल को मोबाइल लूट के संबंध में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों द्वारा 2 अप्रैल को गोलघर MRF टायर के सामने से एक रेडमी मोबाइल को छीना गया था एवं 18 अप्रैल को पेंटालून के पास सिनेमा हॉल से एक सैमसंग मोबाइल की छीनने की घटना कारित की गई थी। अभियुक्तों से सख्ती से पूछने पर बताया गया कि रेडमी मोबाइल को इसी स्कूटी से MRF टायर गोलघर से दिनांक 2 अप्रैल को हम दोनों ने लूटा था तथा सैमसंग मोबाइल को इसी स्कूटी से दिनांक 18 अप्रैल को पेंटालून के पास से एक लड़की से सिनेमा हॉल से निकलते हुए युवती से छीना था। इन लूटे हुए मोबाइल को बाद में स्टेशन व बस स्टैंड पर राह चलते आदमियों राहगीरों को बेच देते हैं और बेचने से प्राप्त रुपए को आपस में बांट लेते हैं, जिससे हम लोगों का जीवन व्यापन होता है। और हम दोनों ने इन मोबाइल्स के अलावा कुछ अन्य मोबाइल भी लूटे थे जो कि हम दोनों बेच चुके हैं और उनसे बरामद रुपयों को भी खर्चा कर चुके हैं। बरामद मोबाइल को आज हम दोनों स्टेशन पर बेचने के लिए निकले थे कि तभी आप पुलिस वालों ने पकड़ लिया। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि दो अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उप निरीक्षक सुधांशु सिंह, विजय कुमार गौड़, कांस्टेबल ओम प्रकाश यादव, राकेश यादव, संदीप कुमार शामिल रहे।
प्रभागीय वनाधिकारी विकास यादव ने जनपद वासियों को विश्व पृथ्वी दिवस की शुभकामना दी, जिसके संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी विकास यादव ने सभी गोरखपुर वासियों को पृथ्वी दिवस की ढेर सारी बधाई व शुभकामना देते हुए कहा कि पृथ्वी दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसको हर स्तर पर हम सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो महत्वता है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, बदलाव की बातें हो रही हैं, जिसको देखते हुए पृथ्वी दिवस की जागरूकता के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत स्कूल के बच्चों को जागरूक किया गया है और बच्चों ने नाटक के मंचन के जरिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया, जो कि पृथ्वी दिवस के ऊपर था। इसके अलावा जगह जगह पर पौधारोपण किया गया है, जिसमें संस्थान के बच्चे भी भाग ले रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जिले में पौधा लगाया जाए, जिससे पर्यावरण को संतुलित बनाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी विकास यादव ने कहा, सर्वप्रथम सभी लोगों को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पृथ्वी दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिन है, जो हर स्तर पर हम लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो महत्वता है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की हम बातें करते हैं, तो पृथ्वी दिवस एक जागरूक करने के लिए एक अभियान के तौर पर हम लोग चला रहे हैं। इसमें जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, सर्वप्रथम आज सुबह जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया, उसमें स्कूल में जाकर बच्चों को जागरूक किया कल्चरल प्रोग्राम के तहत, और जो उन छोटे छोटे उन्होंने जो नाटक मंचन किया उसके तहत हम लोगों ने उनको जो पृथ्वी दिवस के ऊपर थीम बनाकर वो मंचन करवाया गया, जिससे बच्चों के बीच में जो देखने वाले हैं, टीचर्स के बीच में जागरूकता फैलाई गई। उसके अतिरिक्त जो है हम लोगों ने प्लान किया है, आज दोपहर बाद एक प्लांटेशन ड्राइव हम लोग चलाएंगे, और इसी क्रम में एक क्लाइमेट कंसोर्टियम जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ना केवल गोरखपुर से बल्कि आसपास के सभी ज़िलों से जो एनजीओ हैं, जो पर्यावरणविद हैं, उनको बुलाया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है, जो और जागरूकता किस तरह फैलाई जाए, जनमानस को किस तरीके से जागरूक किया जाए और इस आंदोलन में अधिक से अधिक जोड़ा जाए, उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे और उसको क्रियान्वयन करते हुए अगले कुछ दिनों में जो है उसको भौतिक रूप में और जमीन पर उसको अमल करवाएंगे। मिशन शक्ति अभियान के चौथे फेज के तहत महिलाओं में जागरूकता के लिए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के चौथे फेज के तहत गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्राओं में जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लॉ फैकल्टी की छात्राएं भी शामिल हुई, जिसको देखते हुए छात्राओं को वुमेन हेल्पलाइन 1090 डायल 112 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि कॉलेज आते जाते समय अगर कोई लड़का परेशान करता है तो तुरंत डायल 112 पर सूचना दें, उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा, आपकी सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर मनचलों को सबक सिखाएगी। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय की गृह विज्ञान की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिव्या रानी, प्रोफेसर नंदिता सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में दिए गए हैं, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स में दिए गए हैं, जिन्हें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन राइट कहा जाता है। तमाम तरह के अधिकार हैं और वो अधिकार पुरुषों के लिए हैं, वो अधिकार महिलाओं के लिए हैं। ये दोनों जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोनों के बीच में कोई विभेद नहीं करते, और इसलिए जेंडर के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जब ये बात कही जाती है तो ये बात इसी दृष्टिकोण से कही जाती है कि महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखना पूरे पूरे विश्व समाज का एक अहम कर्तव्य है। बहुत सारे अधिकार हैं, फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स में बताए गए हैं, कुछ का नाम लिया जा सकता है, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर,
freedom from slavery, right to liberty and security of person, rights relating to due process in criminal and legal proceedings, equality before law, freedom of movement, freedom of thought, conscience, religion, etc. Your position on the elimination of discrimination against women. जो चाहता है कि स्टेट्स जितने भी राज्य हैं जितने भी देश हैं देश डिक्लेरेशन आधार बन जाता है 1979 के एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन का जिस कन्वेंशन को शॉर्ट में कहा जाता है सीडॉक जिसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन What do you want the police to do? How to approach your problems? If you could suggest, that would be very kind of you. So please fill those forms and then we'll collect these forms. And uske hisab se, based on that, we'll prepare some strategy, jo bhi aapka feedback hoga. Theek hai? To isko aise normally mat lijiye ki ye aise form hai, fill kar diya, main kya likh rahi hu, usse koi fark nahi padta. Because jab tak aap nahi sochenge ki aap ये मिशन शक्ति फेस फोर के तहत आज दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में एक अवेयरनेस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें लॉ फैकल्टी के मेंबर्स लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स पुलिस के कर्मी और फैकल्टी जो यहाँ पे हैं वो प्रोफेसर्स यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने बच्चों को वुमेन राइट्स के बारे में अवेयर किया है और अभी पुलिस का भी होगा इसमें जिसमें उसमें बताएंगे कि हम लोग किस तरह से उनको पुलिस को अप्रोच करना है अगर वो डिस्ट्रेस में है तो कौन से टोल फ्री नंबर्स हैं जो वो कॉल कर सकते हैं जिन पे और उन पे पुलिस सहायता पहुंचेगी और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम उनको अवेयर करेंगे आज के लिए बस इतना ही जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास जी महाराज को श्रद्धांजलि रामनवमी के दिन ब्रह्मलीन हुए थे प्रेमदास जी महाराज शुक्रवार को संपन्न हुआ श्रद्धांजलि समारोह व भंडारा व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने पहुँचे मुख्यमंत्री
प्रदेश सरकार के द्वारा धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने के फैसले का उत्तर प्रदेश के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुल वरा ने किया स्वागत। कहा, मस्जिद व मंदिर के लाउडस्पीकर का आवाज तेज होने से हॉस्पिटल के मरीज व स्कूल के बच्चों को होती है दिक्कत। आवाज कम होने से सभी लोग शांति से कर सकेंगे अपना काम, मिलेगी सभी को राहत। सबसे ज्यादा IGRS प्रार्थना पत्रों को डालने वाले फरियादियों के निस्तारण के लिए SSP डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में IGRS मेगा मेले का किया गया आयोजन। सबसे ज्यादा IGRS डालने वाले फरियादियों की सुनी गई फरियाद। कहा, किसी को परेशान करने के उद्देश्य से IGRS डालने वाले फरियादियों व IGRS का निस्तारण न करने वाले पुलिस कर्मियों के ऊपर की जाएगी कार्यवाही। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन सहित अयोध्या धाम के साधुओं ने ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास महाराज सभी धर्म के लोगों का करते थे सम्मान। विश्व पृथ्वी दिवस पर स्कूली बच्चों ने SSP को पौधा भेंट कर दिया पृथ्वी की रक्षा करने का संदेश। कहा, सभी को मिलकर बनाए रखना होगा पर्यावरण का संतुलन। दो शातिर मोबाइल लुटेरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का दो मोबाइल व घटना में प्रयुक्त स्कूटी किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी विकास यादव ने जनपद वासियों को दी पृथ्वी दिवस की बधाई व शुभकामना। कहा, लोगों में जागरूकता के लिए जगह जगह पर किया जा रहा है पौधारोपण। और मिशन शक्ति अभियान के चौथे फेज के तहत महिलाओं में जागरूकता के लिए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लॉ फैकल्टी की छात्राओं को दी गई वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 डायल 112 के बारे में विस्तृत जानकारी। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।